भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 जून से T20 मैच की सीरीज शुरू होगी। इस सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम की कप्तानी के राहुल को दी गई है। इसके अलावा भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इसके अलावा बात करें दिनेश कार्तिक जैसे सीनियर खिलाड़ियों की, तो उनकी लंबे समय बाद T20 फॉर्मेट में वापसी हुई है। वहीं बात करें दोनों देशों के बीच T20 मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने की, तो रोहित शर्मा इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक के रिकॉर्ड्स की देखें तो रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 13 मैच की 12 पारियों में 362 रन बनाए हैं। वहीं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक शतक भी लगाया है जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 106 रन रहा है। इसके अलावा सुरेश रैना दूसरे नंबर पर आते हैं। सुरेश रैना की बात करें तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 T20 मैच की 11 पारियों में 339 रन बनाए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में एक शतक भी लगाया है जहां उनका बेस्ट स्कोर 101 रन रहा है। बता दें कि सुरेश रैना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब सेंचुरी लगाई तब वह भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। वहीं तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जेपी डुमनी आते हैं। जेपी डुमनी की बात करें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से अब तक खेलते हुए भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 10 मैच की सभी पारियों में 295 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 68 रन रहा है। वहीं चौथे नंबर पर विराट कोहली का नंबर आता है। विराट कोहली की बात करें तो वह अब तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 मैचों की 9 पारियों में 254 रन बना चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका बेस्ट स्कोर 72 रन रहा है। लिस्ट में शिखर धवन का नंबर भी आता है। शिखर धवन की बात करें तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 T20 मैच खेले हैं जिनमें 233 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 72 रन रहा है। हालांकि वह इस सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बात करें एबी डिविलियर्स की तो वह भी भारत के खिलाफ अब तक 9 T20 मैच खेल चुके हैं जहां उन्होंने 208 रन बनाए हैं। बात करें भारत के खिलाफ बेस्ट स्कोर की तो एबी डिविलियर्स का स्कोर 63 रन रहा है। आपके क्या राय है इस लिस्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।